हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रचित पंगाल। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। भाई, आप लोगों का जो वेट था वो पूरा हो गया है। थंबनेल और टाइटल देख के आपने देख लिया कि आज होम टूर आ रहा है। तो होम टूर में मैं दिखाऊंगा हमारे घर का एक एक कोना, मिट्टी जैसे कि एक एक कोना है। मतलब मजाक कर रहा हूँ मैं। होम टूर देते हैं कि क्या क्या है हमारे घर। भाई, ये शुभम है, सब जानते होंगे, आदित्य का भाई, मतलब मेरा भाई। रूम जोन से बाहर नहीं निकलता। ये ग्राउंड फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे अंकल आंटी और रहते हैं, उनके दो ये क्या चिराग है। तो स्टार्टिंग, चलो हम यहाँ से चलते। बाहर से मैं दिखा नहीं रहा, पर बाहर से एक चीज दिखाता हूँ। इधर आओ भाई, पहले बाहर से एक चीज दिखाता हूँ। क्या लिखा हुआ? मानू जाट के क्रिप। वो रहा हमारा एक और चिराग, ये मेरा थोरू। चलो भाई, स्टार्टिंग करते हैं। मानू और मानू और शुभम, तुम दिखाओ भाई। पहले गेट से एंट्री होते है हमारे, लेफ्ट हैंड साइड में स्टोर है। चेक कर रहे थे लेफ्ट है ना, ये हमारी स्टोर है। हाँ, और ये देखो सारा सारा काम हुआ हुआ, बस ये एक पट्टी पता क्यों रह रही है? हमारा ये जो ये काम करने वाला बंदा था भाग गया था। वो अब तक आया नहीं है। गोली गोली दे गया, पर वो ज्यादा नहीं, और तो सारा काम हो गया था, बस ये रह गया था। ये हमारा स्टोर है, पूरी स्टोर है। इसमें वहाँ पे मम्मी ने लहसुन स्टोर कर रखी है मटकी में। क्यों? स्टे फ्रेश, दे स्टे फ्रेश। तो ये हमारा एक छोटा सा स्टोर है, बट छोटा मतलब दिखता छोटा है, पर जगह बहुत है, मतलब सामान बहुत है इसके अंदर, वहां तक है ना वो नीचे तक। तो बहुत बढ़िया सीन है, इसमें बहुत चीज आ रही है, कुर्सी कर्सी सब चीज यहाँ पड़ी है। किसमें खुद जाना है? इसमें करना क्या? और ये चीज पापा को पता नहीं क्या डिजाइन अलग सा ही लगा था, पापा ने बनवा दिया। कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताना भाई। ये डिजाइन वो बगा हुआ पे थोड़ा सा, ये भी छोड़ गया वो। चलो, ये तुलसी आगे रखी हुई है, अब एंट्री करते हैं। गेट खोल ले। 50 रुपए काट ही दिए, 100 काटो इस बार। ये देखो बाहर से अच्छा लग रहा है। ये हमारे आंटी के कारनामे है। तो ये पहला रूम है भाई। चल भाई शुभम, जाओ भीतर। ये हमारा पहला रूम है। ऐसे ही हाँ, तो ये बहुत सुंदर रूम है। देखो सिनेमैटिक शॉट, सिनेमैटिक। ये देखो भाई, ये सारे आंटी जी ने रखे हुए हैं, उनको प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं। इस कलाकारी का आर्टिस्ट घुमा दो। ये रहा है। नमस्ते। कमेंट सेक्शन में बताना कितने अच्छे लगे पौधे वगैरह ये चीजें, ठीक है? आर्ट दिखा, आर्ट आर्टिस्ट। तो भाई, ये हमारे नीचे वाले फ्लोर की किचन है। ये देखो भाई, थोर आ गया। ये किचन है नीचे वाले फ्लोर की। बोला फुल चिड़ोकला दुनिया, जितना चिड़ोकला हो सकता है ना ये उतना है। इसका ये भरोसा नहीं है, अपने को सूंघ लेगा कि ये किसी कुत्ते से तो नहीं मिला। हाँ, पूरा वो सूंघता है मुझे। अभी बाहर सूंघ सकते हैं। चल भाई शुभम, तेरा रूम दिखा। तो भाई ये शुभम, ये 12 घंटे रहने की जगह 10 घंटे ही पर रहना दिन में। ये शुभम और आदित्य और इस पे रहते हैं भाई। ये वाला रूम है इनका, प्यारा सा रूम है। और ये पूरी पिछोरे वहां से दिखाता हूं। मम्मी कलाकारी यहां पे भी आएगी। हाँ, आंटी जी कलाकारी यहाँ पे भी आ गई है। और ये देखो, ये पूरी पूरी दीवार है ना, मतलब जैसे ये पूरी दीवार में कैबिनेट्स है, तो पूरी स्टोरेज है। हैं आदित्य शुभम, पूरी स्टोरेज है ऊपर? तो हमारा सामान पड़ा है शायद, है ना? नहीं, ऊपर ये सब जो कंबल पड़े हैं, कंबल पड़े हैं। और ये सारा पूरा मतलब बहुत बढ़िया चीज है। इससे क्यों है कि ना, स्पेस भी बच रहा है, खुला का खुला रह जाता है ना। और मतलब नहीं, फिर वो अलमीरा लगवानी पड़ती है अलग से। थोरो, ये शुरू हो गए भाई, हर जगह शुरू हो जाते हैं ये।
थोरू ये भाई ये वॉशरूम, ये एक और रूम है आदित्य, ये वाला शुभम ये वाला बेड खोल के दिखा, ये गेट बंद कर। मैं गेट बंद करने जरूरत नहीं है, ऐसे खुल ना, मैं ऐसे कह रहा हूँ ये बेड ऐसे खुल जाता है भाई, क्योंकि अंकल को ऐसे ग्रीनरी पसंद है ये भाई, तो ये बेड यूं खुल जाता है और यूं फोल्ड हो जाता है। चल ओ यार बाहर नीचे जो भाई हमारा बैकयार्ड गार्डन है उसमें एंट्री यहाँ से होती है, जाली वाला दो गेट लगवा रखे, एक जाली वाला और एक ये देखिए देखिए इसको सबसे ज्यादा जल्दी है। तो ये हमारा बैकयार्ड गार्डन है भाई, यहाँ पे ओए थोरू मन इसको पीछे लेके जा, थोरू वो देख वहाँ जा वहाँ पे देख वो देख हाँ, बोल लिया उसकी। तो यहाँ पे दो स्टोर है हमारे घर में, हमारे घर में जैसे तीन फ्लोर है, तीनों पे इसकी दो दो बोले रखी हुई है कि कभी इमरजेंसी हुई तो बोल ले लो। हाँ, तभी ये हटता है। कब उसे बार बार बोला है? ये गेट यहाँ से एंट्री होते ही ये हमारे यहाँ पे पक्का है इतना, उसके बाद आगे कच्चा है, वहाँ पे पेड़ पौधे अपने ला रखे है। एक और स्टोर ये है भाई, ये भी पक्का है। क्या पक्का है? ये देखो भाई ये एक और स्टोर है, इसमें थोड़ा पीछे वाला जो गार्डन का सामान है वो चीजें रखी हुई हैं। ये देखो ये पीछे बातें मार रहे हैं भाई, ये अपना फिश पॉन्ड। तो ये हमारा पीछे बैकयार्ड गार्डन है, यहाँ से देखो व्यू ऊपर का पूरा, ठीक है भाई। चलो अब चलते हैं ऊपर। चल मारे ऊपर चल, ये भी देखते हैं ऊपर जाएगा। ले भाई खा लिया, मम्मी को दिखाएगा ये भाई हमारी पैड़ियां भाई सीढ़िया। हाँ यहाँ पे एक चीज दिखाने की है वो मैं दिखाता हूँ, हमारे पूरा शीशे का है ऊपर तक, और ये सीनरी मम्मी ने लगवाई है, और दादाजी जब भी जैसे अब दादाजी मेरे दादाजी का ये सीन है, जब उनका मन करता है वो यहाँ जाते हैं, नहीं जब मन करता गाँव चले जाते हैं। गाँव में भी हमारा घर है ना, अब दिखाता हूँ मैं फर्स्ट फ्लोर नीचे, जैसे कि ग्राउंड फ्लोर पे अंकल आंटी रहते हैं, वो मेरे पापा के दोस्त हैं अंकल जी, बेस्ट फ्रेंड मान लो आप, तो वो नीचे रहते हैं। ये पूरी बिल्डिंग हमारी है, और पापा और मम्मी और का जो फर्स्ट फ्लोर है वो दिखाता हूँ मैं, फर्स्ट फ्लोर पे अपनी एंट्री हो गई है। ये फर्स्ट फ्लोर है, ये बालकनी है हमारी, ये वॉशिंग एरिया कह सकते हो आप इसके, इधर ये सारा वॉशिंग एरिया है। अब लो भाई पहले रूम में हमने एंट्री कर दी, और ये सारे वापस यहीं बैठे हैं, और आपको ज़्यादातर यही रूम दिखता होगा व्लॉग्स में, क्योंकि ये हमारा कॉमन रूम कह सकते हो आप। हमने बेडरूम वहां बनाना था उस रूम में, बट मम्मी कहती नहीं ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो ये यहाँ पे ही आ गया। तो ये देखो भाई ये हमारा क्या बोलते हैं इसको मानु, ये देखो मेरा चाकू, एलईडी नहीं ये एंटरटेनमेंट एरिया, एंटरटेनमेंट एरिया ठीक है। ये मम्मी पापा और की अलमीरा, ये पूरी बड़ी है भाई, ये मम्मी पापा की फोटो, वो फोटो मेरे मम्मी पापा की जब शादी हुई थी तब की फोटो आई है। हथियार रखे हुए अपने जो हथियार सेफ्टी के लिए भाई हमारे हथियार, अरे ये मेरी पोर्ट्रेट ठीक है, असली हथियार का है मानो मेरे पास है, तेरे रूम में है क्या? चल उस रूम में, यहाँ पे भी कलाकारी हुई हुई है। और ये मम्मी और पापा और का बेडरूम है, और मम्मी को इतना पसंद है किचन, तो मम्मी और का किचन यहाँ पे ही है। देख लो भाई ये किचन है, और भाई इसकी एक चीज दिखाऊं मस्त है, कैसे होती है ऐसे, ये ऑन कैसे होती है? ओ ये देखो वाह, मैं करूंगा ये जब नई नई आई ना, हम यूं करते रह गए पूरे दिन, बस मानू पापा देख लेंगे। भाई पापा भी घर पे नहीं है ना, तो ये तभी बकवास कर रही है इतनी। ठीक है भाई किचन देख लिया, ये किचन है हमारा, ये किचन है। अब चलते हैं हमारे घर के सबसे क्यूटेस्ट रूम में, सही में वो मानू का इसलिए नहीं कह रहा मैं, पर वो सही में क्यूट है ना भाई। तो भाई ये रूम है सबसे क्यूटेस्ट रूम, ये देखो पहले ये एरिया दिखाता हूँ आपको, ये है वर्क स्पेस, ये वर्क स्पेस है, ये बढ़िया सी
हमने खरीदी थी मिनीसो से, मानू नहीं खरीदते थे। और ये मानू का ये अलमीरा, यहाँ से व्यू है बढ़िया बाहर का। मतलब पूरी हमारे हमारा यूं है, हमारा कॉर्नर का घर है तो हमारे हर रूम के अंदर ये है खिड़कियां, तो मतलब वेंटिलेटेड और बहुत खुला खुला लगता है। यहाँ भी कलाकारी चल रही है। और ये मानू का प्यारा सा बेड, और ये यहाँ पे इसमें भी स्टोरेज है, खुल जाती है। और थोड़ी हटी भाई, वो खोल के दिखाई वो वाली वाली। ये तो देख थोड़ा ऊपर करो भाई साहब, अपने आप उठ जा। ये ना क्यों खोलो, क्यों रहने दो। इसमें तो जूते पड़े हैं, तो जूते देखो ना, जो मतलब बाहर पहनने वाले जूते हैं वो आएंगे। तो भाई ऐसा सीन है, अब दिखाता हूँ एक और रूम जहाँ पे हम सबसे ज्यादा बैठे मिलते हैं आपको। ये रूम, ये सोफा कम बेड है, देख ले फिर पूछिए। यहाँ पे इस तरफ एसी भी लगा हुआ है बड़ा, और मतलब उसका मतलब ये है कि वो दोनों रूम को कर देता है ठंडा। और ये हमारा फ्रिज है, और ये भगवान जी बैठे हैं यहाँ पे। और हमारा ये वॉशरूम, तेरे को नहीं कहा उधर का है मैंने। तो भाई ये हमारा फ्लोर है, पहला फ्लोर, नीचे वाला आपने देख लिया। अब तक कितने रूम हो गए, 1 2 3, ठीक है, 3 नीचे हो गए, 6 रूम हो गए हमारे। तो भाई अब आ गए हैं सेकंड फ्लोर, ठीक है। इस कूलर को ऊपर ग्रीन रूम में रखना है, तो ये इसलिए अलग से रखा हुआ है, हम कूलर यूज करते ही नहीं। चलो अब ये आ गया है, ये आ गया मेरा रूम भाई। ये आपने वीडियोस में बहुत देखा होगा आपने, मेरा वर्क स्टेशन है ये, स्टेशन नहीं वर्क स्पेस है। ये मेरा बेड है, ये मेरी अलमीरा, वो गिटार हम बजाते ही नहीं ऐसे पड़ा है, फ्रेम अच्छा लगता है, ठीक है। और बैठ जा। ये यहाँ पे थोड़े ट्राइपॉड रखे हुए हैं, मेरी पुरानी फोटोज है, ये मानू है। यहाँ पे अगर कोई बाहर से आता तो यहाँ बैठ सकता है। ये मैंने, ये पूरा स्पेस पापा का आइडिया था कि ये पूरा एक बड़ा एक हॉल बनाना है। तो वीडियो में इतना मतलब कि चीज पता नहीं क्यों थोर भी बहुत छोटा दिखता है, और ये चीजें भी मतलब छोटी ही दिखती है ना, पर अगर आप आओगे, खुद आओगे, मिलोगे तो पता चलेगा, तो अच्छा लगेगा। अब ये देखो, इसके बाद ये वाली जो स्पेस है, हमने यहाँ पे अपना एक्वेरियम रखा हुआ है। ये मेरा मिरर, यह एक्वेरियम है अपना, और ये बस ये खाली रखी हुई है स्पेस, कोई ज्यादा नहीं। यहाँ हमारी किताबें पड़ी है, बुक्स, ये देखो, ये देखो भाई, नीचे स्टोरेज है। ये मेंशन करो, ये बुक्स हम पढ़ते हैं। होगी अभी ये 10, ये 12वीं की है, मतलब 10वीं 11वीं 12वीं, और कुछ कॉम्पिटेटिव है, 8वीं सारी है, सारी है। देखिए ओए थोर, पागल है यार तू, मेरा तू मेरा का बेड खराब कर रहा है यार, इसको क्या, इसको ए। अब आपको दिखाते हैं गेस्ट रूम भाई, मैं स्टाइल से दिखाऊंगी। ये स्टाइल है, ये गेस्ट रूम है भाई। यहाँ पे एक बेड है, कोई अलमीरा नहीं है इधर, बट यूं है कि गेस्ट रूम के साथ में ही बाथरूम अटैच है, तो कोई आता है भाई तो आप लोग यहाँ ही रुकोगे, तो अच्छी बात है भाई। पर एक बात है, हर कमरे के अंदर हमारी विंडो है, तो वेंटिलेशन पूरी है, और विंडो, और मेरे रूम में तो 1 2 और 3 विंडोज, ठीक है। ये कर दे पर्दा, कर दे, इधर भी विंडो है। तो भाई ये था हमारा प्यारा सा घर, छत तो दिखा दे रे बाबा। छत दिखाऊं, चलो भाई टेरेस देख लेते हैं। टेरेस पे भी हमारा ग्रीन रूम बना हुआ है, उसमें हमने थोड़ा सामान रखा हुआ है। पहले तो हमारा यूं था कि हम वहां पे प्लांट्स वगैरह रखेंगे, बट ऊपर गर्मी बहुत ज्यादा है यार, इसकी वजह से ही हमने ये नहीं चलाए। ओ थोड़ी से थोरू थोरू, चलो भाई अब टेरेस पे चलते हैं। और ये पूरा ओ मानू बच गया भाई, ये हमारा पेड़ है भाई, ये हमने जब हम यहाँ आए थे ना, पापा ने लगाया था ये, देखो कितना बड़ा हो गया। एक दिन ना मैंने ही मतलब घर बना था, मैं बिल्कुल ऐसे चिकनी चिकनी टाइल्स, तो ना काम वाली आंटी थी ना, ये हमारी पिछो के बता थोड़ी, स्लिप हो गया, पड़ गई यहाँ पे, और फिर थोड़ी आगे से मुंह लग गया। चलो ऊपर चल के दिखाते हैं। देखो मैं कह रहा था ना, ये हमारा मिरर पूरा ऊपर तक है, पूरा नीचे तक है।
और ये हाँ मतलब सेफ्टी के लिए लगा दिया यहाँ पे, बाद में लगवाया। यहाँ पे अपने जूते वगैरह रखे होते हुए हमारे, यहाँ इन्वर्टर रखा हुआ है। ये लो भाई, ये हमारा टेरेस, नीचे भाग गया। ये हमारा टेरेस है और यहाँ पे एक ग्रीन रूम बनाया था तो यहाँ पे हमने ये रखे हुए हैं, पत्थर रखे हुए हैं, लावर ऑक्स धो दिए हैं मैंने। तो भाई ये हमारा घर है भाई, प्यारा सा। और ये हमारा बैक यार्ड, ये देखो हमारा पीपल, ये सारा ये हमारा क्या पीपल का पेड़। पर व्यू देखो, पर ये पीछे का हमारा ग्रीनरी पूरी है। हाँ तो भाई कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना हमारा प्यारा सा घर। ये आज सेकंड डे है भाई, मैंने वीडियो कल शूट करी थी पर मैं कुछ बातें करना चाहता था आप सब लोगों से कि पानी की आवाज आ रही है, मतलब कैमरे में ये बात बोलना चाहता हूँ कि थैंक यू मम्मी पापा। मेरे मम्मी पापा ने इतनी मेहनत करी है भाई, मेरे जीप पे छाला होया हुआ है, अगर आपको कोड लगे कि मैं अजीब से बोल रहा हूँ पर बोलना नहीं चाह रहा मेरे से। मेरे मम्मी पापा ने इतनी मेहनत करी है, वो लिटरली जीरो ले गए थे, जीरो घर से अपने पीछे बैग से है, मतलब कि अपने गांव से। और आज मैं ये पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ और बोलना भी चाहिए यार, अपने दम पे इन्होंने, अपने दम पे आज सेक्टर के अंदर इन्होंने घर बनाया। किसी को छोटा लग रहा होगा, किसी को बड़ा लग रहा होगा, पर मेरे लिए, मेरे मानू के लिए, हमारे लिए तो महल है। और इसका मतलब ये नहीं कि हम यहीं रुकेंगे, हम और आगे भी जाएंगे, बट ये जो है ना ये महल है, क्योंकि इसके अंदर भी मम्मी पापा का इतनी मेहनत लगी है ना, बस मैं बता नहीं सकता। और उनकी मेहनत हम है और मेरे लिए मेरे भगवान से मेरे मम्मी पापा ही है। तो सिंपल सी तीन वर्डों में, तीन लाइंस में मैंने बात खत्म कर दी है। थैंक यू मम्मी पापा, आप लोगों ने हमारे को मतलब इतनी बड़ी जगह दी, एक कहने को घर मिल गया हमें, है ना, घर, घर बहुत बड़ी बात होती है घर, और इतना बड़ा घर मिला है तो बहुत बहुत धन्यवाद हमें मतलब आपका। और हम बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है कि हमें आप जैसे मम्मी पापा मिले। मम्मी पापा को पता नहीं है भाई, मैं एक क्लिक डाल लूंगा क्योंकि वो रॉ वीडियोस देखते नहीं है, पर अब वो वीडियो देखेंगे तभी पता चलेगा। थैंक यू मम्मी पापा। चलो भाई इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं। ये बहुत बड़ी मूवमेंट थी भाई कि 100K हो ये हमारे। मैंने कोई गाना वगैरह नहीं डाला या कुछ और स्पेशल नहीं करा, मैं होम टूर इसलिए स्पेशल कर रहा था क्योंकि मुझे पता है कि मेरे मम्मी पापा की मेहनत है ये, और आज उनका बेटा है, कुछ ना कुछ तो करा है उसने कि उसके 100K हो गए। हल्का सा, कोई बड़ी वो नहीं कह रहा मैं ये, बट हल्का सा तो है कि 100K हो गए, कि 1,00,000 बंदा मेरे साथ जुड़ गया है, तो बहुत बड़ी बात होती है भाई। मेरे को तो खुशी है, मेरे मम्मी पापा को मेरे से भी ज्यादा खुशी है, और इस खुशी के मौके पे मैं तभी ये बात बोल रहा हूँ। थैंक यू मम्मी पापा। चलो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, अच्छे अच्छे व्लॉग्स और आएंगे। अगर आपको मेरे को सपोर्ट करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो और प्यारा सा एक कमेंट छोड़ दो इस वीडियो के नीचे, क्योंकि मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ, सारे मम्मी पापा तो जरूर पढ़ते हैं, मैं नहीं पढ़ता। तो चलो इसी के साथ इजाजत, तो अगले व्लॉग में मिलेंगे। ओके बाय बाय।